हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन क्लासेस ऑन सूर्या वर्ल्ड स्कूल पिलोथ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सब्जेक्ट SST, जिसका प्रथम अध्याय है संसाधन एवं विकास। देखिए बच्चों, संसाधन किसे कहा जाता है, संसाधन किसे कहा जाता है। पहले संसाधन एवं विकास जो अपना पाठ है, इसमें हम पढ़ेंगे संसाधन की परिभाषा। देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, हमारे आसपास जो चीजें उपलब्ध हैं, उन चीजों में से वो चीजें जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, बच्चों उनको संसाधन कहा जाता है। मतलब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसे बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई बच्चों संसाधन की। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो और जिसे बनाने की तकनीक प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उसे संसाधन कहा जाता है। अब देखिए, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पन्न होने के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। देखो, दो प्रकार, जैव और अजैव। जैव संसाधन कौन से होते हैं बच्चों, देखो जिन संसाधनों में जीवन पाया जाता है उनको जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे मानव खुद भी एक संसाधन है, पशु, वनस्पति, ये सब क्या है, जीव संसाधन कहे जाते हैं। अजैव जो निर्जीव संसाधन है, जैसे धातुएं हैं, चट्टाने हैं, मृदा है आदि। अब देखिए दूसरा है समापत्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव व अजैव। समापत्य के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। देखो बच्चों, नवीकरण योग्य, जैसे नाम से पता चल रहा है, नवीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः उनका उत्पादन नहीं किया जा सकता, पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। इसका उदाहरण एक मिनट, पहले समापत्य के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं, जिनका पुनः उत्पादन, जिन संसाधनों का हम पुनः उत्पादन, पुनः निर्माण कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, जैव ऊर्जा, है ना। तो ये क्या है, सौर ऊर्जा का ही हम उदाहरण लेते हैं, तो सौर ऊर्जा को हम एक बार काम में ले लिया, दोबारा सूर्य के प्रकाश से हमने दोबारा ऊर्जा को उत्पन्न कर लिया, तो ये क्या है, कभी खत्म न होने वाला संसाधन है जिसका हम बार बार निर्माण कर सकते हैं। और अनवीकरण योग्य, जैसे अपना पेट्रोलियम है, हमारे जो धातुएं हैं, इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, तो एक लंबी अवधि में निर्माण होता है, हम इनका निर्माण नहीं कर सकते, तो ये अनवीकरण योग्य संसाधन कहे जाते हैं। अब आते हैं स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत। देखो संसाधनों का मालिक कौन है, किसके अधीन है संसाधन, तो देखो व्यक्तिगत, कुछ संसाधन होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, निजी होते हैं, जिस ऐसे संसाधन है व्यक्तिगत में, देखो ऐसे संसाधन जिनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का या किसी संस्था का अधिकार होता है, जैसे किसान की कृषि भूमि, एक व्यक्ति जो शहरी क्षेत्र में रहता है उसका, जिस भूमि के ऊपर वह रहता है वह भूमि, मकान, गाड़ी, है ना, तो ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक, वे संसाधन होते हैं जिनका पूरा समुदाय मिलकर उपयोग करता है, जैसे सार्वजनिक भूमि है, सार्वजनिक क्षेत्र है, शमशान भूमि है, चारागाह है, सार्वजनिक गांव का सार्वजनिक कुआं है, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, पूरे समुदाय, पूरे समाज का अधिकार होता है, तो उनको सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय, देश के अधीन, देखिए जो देश की सरकार होती है, वैसे तो पूरी भूमि, पूरे सभी संसाधनों के ऊपर सरकार का अधिकार होता है,
क्योंकि निजी जो भूमि है, व्यक्तिगत जो संसाधन है, आवश्यकता पड़ने पर देश की सरकार इनको भी अधिग्रहित कर सकती है। तो समस्त भूमि, उसमें जो निजी भूमि है वो भी आ गई, सड़क मार्ग आ गए, जो भी चीजें जिसे हम सरकारी कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, वो सारी चीजें क्या है, राष्ट्रीय है। फिर अंतरराष्ट्रीय देखो, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, किसी देश की तटरेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है वो तो उस देश के अधीन होता है। 12 समुद्री मील से अधिक, 12 समुद्री मील में बच्चों 22.2 किलोमीटर आता है। अब देखो, उससे आगे का जो क्षेत्र है, जैसे अरब सागर में हमारी जो तटरेखा है, उसमें हमारी जो तट है, हमारा तट है, उससे लेकर, गोवा से लेकर और 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र तो भारत के अधीन है। उसके आगे का वो किसी के अधीन नहीं है, सभी देशों का उसके ऊपर बराबर हक है। केवल कुछ संस्थाएं होती हैं जो इन अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, और कोई भी देश उन संस्थाओं से, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेकर इनका उपयोग कर सकता है, तो वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। अब देखिए, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, देखो नाम से पता चल रहा है, संभावी ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन आगे आने वाले समय में उपयोग की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हो, उन्हें संभावी संसाधन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पश्चिमी जो राजस्थान है, गुजरात है, उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं के होते हुए वह एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उभर सकता है। तो उनको क्या कहेंगे बच्चों, ऐसे संसाधन जिनका आगे आने वाले समय में उपयोग हो सकता है, वो उनको संभावी संसाधन कहा जाता है। दूसरे होते हैं विकसित भंडार, मतलब है जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं वो विकसित भंडार कहलाते हैं, और संचित कोष आगे आने वाले समय में जिनके विकास की संभावनाएं हैं, वर्तमान में उनका उपयोग नहीं हो रहा है, उनको संचित कोष कहा जाता है। जो हमारे पास भंडार मौजूद हैं उनको संचित कोष कहा जाता है। अब देखिए, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास की ऐसी प्रक्रिया जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए किया गया हो और जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की अवहेलना न करता हो। वर्तमान में देशों के अंदर एक दूसरे से आगे निकलने की, विकसित होने की होड़ सी लगी है, जिससे संसाधनों का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि, और यह पर्यावरण प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है आदि समस्याएं आज मानव के सामने आ खड़ी हुई। अब देखिए, और पर्यावरण से छेड़छाड़ का ही नतीजा अभी कोरोना वायरस जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, ये भी क्या है, पर्यावरण से छेड़छाड़ का ही नतीजा है। तो इन पर्यावरण को जो मानव अपने लाभ के लिए संसाधनों का अति दोहन करता है, जिससे क्या होता है, संसाधन है वो खतरे में पड़ जाते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचते नहीं। तो ऐसे विकास के कोई मायने नहीं होते। विकास उसको माना गया है जो वर्तमान जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकता पूर्ति भी करता हो, हम संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी उन संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। उस विकास को ही क्या कहा जाएगा, सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। अब देखो, संसाधनों का विकास करने के लिए, संसाधनों को बचाने के लिए, सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधनों का विकास ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, देखो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ये जून 1992 में हुआ था, 100 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था बच्चों, देखो पर्यावरण संरक्षण, विश्व स्तर पर जो पर्यावरण को हानि हो रही है उसको, उसका संरक्षण करने और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ये किया गया था। और इसी सम्मेलन के अंदर एक एजेंडा तैयार किया गया, जिसमें इन देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उन्होंने सिग्नेचर किए थे, सहमति जताई थी। एजेंडा 21 क्या था, यह एक ऐसी घोषणा थी जिसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास है। यह एजेंडा 21 क्या था, एक घोषणा थी
जो इस सम्मेलन में की गई थी ब्राजील में, जो 1992 जून 1992 में जो रियो डी जेनेरो के अंदर जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था ये 1992 में हुआ था, जो इसका एक एजेंडा, एक घोषणा पत्र बनाया गया जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। यह एक घोषणा है, एजेंडा 21 क्या है, एक घोषणा है, और इस घोषणा का उद्देश्य या इस एजेंडा का उद्देश्य क्या है, भूमंडलीय, मतलब पूरे विश्व के अंदर विकास हो तो वो सतत पोषणीय हो, मतलब बिना पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए हो। तो देखो बच्चों, आज हमने पढ़ा संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ा हमने। तो देखो एक बार मैं दोहरा देता हूं, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो उसको संसाधन कहा जाता है, या सीधे अर्थों में मानव विकास में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु को संसाधन कहा जाता है। इसका वर्गीकरण देखो, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समापत्य के आधार पर नवीकरण, नवीकरण योग्य और नवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित और संचित कोष, सतत पोषणीय विकास क्या होता है बेटा, विकास पढ़ेंगे हम, सतत पोषणीय विकास मतलब संसाधनों का विकास। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति के बाद में आगे आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति जो विकास करता है उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। संसाधनों का विकास करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया बच्चों, रियो डी जेनेरो में 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था, और इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढना। इसमें एक एजेंडा बनाया गया है, यह एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसका उद्देश्य है पूरे विश्व के अंदर सतत पोषणीय विकास कायम करना है। धन्यवाद।